इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक है सुनील शास्त्री जी, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के द्वितीय पंत प्रधान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। देखिए, किसी भी पाठ को हमें पाठ्यक्रम में रखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, तो इस पाठ का भी पाठ्यक्रम में रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है, और उन उद्देश्यों के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, पहला उद्देश्य है छात्रों में ईमानदारी का महत्व समझाना। हम किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, हमें उस क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। तथा दूसरा उद्देश्य है, ईमानदार व्यक्ति अपने आप में कितना महान होता है यह छात्रों को समझाना। प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति खुद के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी आदर का पात्र होता है, और यही छात्रों को इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। उसी प्रकार ईमानदारी के मूल्य को छात्रों में समझाना है, उनमें ईमानदारी का मूल्य रुझाना है। क्योंकि देखिए, हम छात्रावस्था में होने के जब हम छात्रावस्था में होते हैं, तो हमें हमारे जीवन को सुधारने का, अच्छी तरह से ढालने का मौका मिलता है, और इस मौके के लिए हमें यह मूल्य भी हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक माना है। उसी प्रकार सादगी, सरलता, सच्चाई आदि गुणों को भी हमें इस पाठ के माध्यम से छात्रों में विकसित करना है। जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री के जीवन में सादगी का महत्व था, ईमानदारी का महत्व था, सच्चाई का महत्व था, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी इन मूल्यों की कितनी आवश्यकता है यह इस पाठ के माध्यम से बताना है, यही इस पाठ का उद्देश्य है। उसी प्रकार आज के उपभोक्तावादी युग में सादगी का महत्व छात्रों को समझाना है। हर तरफ देखिए, चकाचौंध रहती है, चमक दमक रहती है, और ऐसे वातावरण में छात्रों में भी इस उपभोक्तावाद का प्रवेश हो सकता है। इसीलिए छात्रों को हमें सादगी की ओर ले जाना है, सच्चाई की ओर ले जाना है, इसीलिए यह पाठ इस पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया गया है। उसी प्रकार देखिए, इसमें छठवां उद्देश्य है, बच्चों की मानसिकता को देखकर उन्हें स्वावलंबन की भावना को बढ़ावा देना है। स्वावलंबन, हमारे माता जी क्या करते हैं, हमारे पिताजी कौन है, इसके बजाय हम खुद क्या है, और हम खुद कैसे बड़े हो सकते हैं, सच्चाई के साथ किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं, स्वावलंबी कैसे बन सकते हैं, इस मूल्य को छात्रों में रुझाना है, समाविष्ट करना है। और महत्वपूर्ण सातवां उद्देश्य है, हर एक महान व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। महान व्यक्तियों में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी समावेश है। उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार सादगी के साथ आगे बढ़ाया है, किस प्रकार अपने परिवार में सादगी रखी है, किस प्रकार अपने परिवार में अपने बच्चों में स्वावलंबन रखा है, यह इस पाठ के माध्यम से समझाया है। लेखक देखिए, अब हम उद्देश्य देखिए, अब लेखक का परिचय देखिए। इस पाठ के लेखक है सुनील शर्मा जी, सुनील शास्त्री जी, जो लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र है। उनका जन्म 1950 में हुआ था। वे एक राजनीतिज्ञ के अलावा एक कवि और लेखक भी है। उन्होंने अपने हरेक विचारों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से व्यक्त किया है, और आज का जो ये पाठ है, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, यह पाठ भी उनकी एक प्रमुख कृति है, लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, इस पुस्तक का अनुवाद है, जो अंग्रेजी में है उसका यह एक हिंदी अनुवाद है। और इस पाठ की जानकारी हम अगली तासिका में लेंगे। धन्यवाद।